So very good morning everyone. How are you? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. How are you guys? Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. So today we are going to discuss the topic translation. What is translation? Translation. तो ट्रांसलेशन में कैसे mRNA, rRNA और tRNA हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी लॉग इन करो भाई। यहाँ पे tRNA क्या रोल प्ले करेगा, mRNA क्या रोल प्ले करेगा और राइबोसोमल आरएनए क्या रोल प्ले करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी लॉग इन करो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक। So what is translation? Translation means protein synthesis. It is a process, the formation of protein from mRNA. किससे? mRNA. mRNA to protein बनने का process को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर इनका अगर हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे डेफिनेशन, सो यू मे बी राइट दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडन इन mRNA। जो DNA से बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता था, अरे रिप्लिकेशन क्या है? DNA से DNA बनेगा तो रिप्लिकेशन, और DNA से RNA बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ये होल प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहते हैं ना दोस्त। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जब भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपिंग करके वो mRNA में कन्वर्ट करके लाता है मैसेंजर RNA, तो उसमें जो सीक्वेंस होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस होता है, AUGC mRNA बना है तो क्या होगा? ATGC होगा या AUGC होगा? AUGC लाइक दैट। तो वो सीक्वेंस ऑफ कोडन जो mRNA में था उसको क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा और एमिनो एसिड बनाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग पढ़ने वाले, देखते आगे क्या। ये डायग्राम को आप गौर से देखिए, जो राइट साइड में जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए वाला डायग्राम। ठीक है, तो आप देखेंगे इट टेक प्लेस इन राइबोसोम। तो बेटा कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है बेटा? राइबोसोम पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? राइबोसोम। दिस इज ए राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम है। ये राइबोसोम का अपर वाला पार्ट और ये राइबोसोम का नीचे वाला पार्ट। तो बेटा क्या है यहाँ पे बेटा? अपर वाला इज द लार्जर सब यूनिट। क्या होता है? राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है। दिस इज द लार्जर सब यूनिट और दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। अरे समझे कि नहीं रे? यस सर। वेरी गुड। तो बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? जल्दी बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? राइबोसोम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं?
राइबोसोम में होते हैं। राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल। अरे देखो मैं जानती, ये सब इतना पढ़ना नहीं है, अभी कम टाइम है। मैं अपन को जहां पे आपको अंडरलाइन करो या उसको नोट कर लो बोलूंगा, तो कॉपी सामने रखो उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, पहला सवाल, लाइसोजाइम, राइजोसोम या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, तो ऑलवेज रिमेम्बर इट, राइबोसोम। कहाँ पे? राइबोसोम। दूसरा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, अबाउट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम्स में स्ट्रक्चरल जो आरएनए होता है वो तो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। बट माय क्वेश्चन इज, कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाने का मदद करता है राइबोसोम? सो ऑलवेज इट मस्ट बी अबाउट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हाउ मेनी टाइप्स? 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं बेटा राइबोसोम के भीतर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम ऑल्सो कैटालिस्ट। राइबोसोम को कैटालिस्ट क्यों बोला जा रहा है? कैटालिस्ट जैसा एक्ट करता है बोला जा रहा है, एक कैटालिस्ट जैसा काम करता है बोला जा रहा है। कैटालिस्ट किसको कहते हैं? अरे एंजाइम को कहते हैं या प्रोटीन को कहते हैं कैटालिस्ट? किसको कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन, हार्मोन इज आल्सो प्रोटीन, बट ऑलवेज रिमेम्बर इट, ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीन बट ऑल द एंजाइम्स आर नेवर ए प्रोटीन। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज रिमेम्बर इट। ऑल ऑफ यू क्लियर? अरे ये सर नो? यस सर। सो हार्मोन्स कहाँ पे परमिशन होते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड से, डॉकलेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? डॉकलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बट एंजाइम सीक्रेट होते हैं कहाँ से? एक्सोक्राइन ग्लैंड, डॉक प्रेजेंट ग्लैंड। कौन सी? डॉक प्रेजेंट ग्लैंड। ऑल ऑफ यू क्लियर ब्रो? क्लियर? वेरी गुड। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप हम लोग देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो एंजाइम इसे बायो कैटालिस्ट, एंजाइम जो होता है बेटा वो बायो कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है कैटालिस्ट का काम करता है, वो कैसे करता है जी? अरे कौन लिख रहे हो क्या स्क्रीन में? आप लोग भी कोई स्क्रीन पे लिख रहे हो क्या? नहीं सर। सो राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, 20 थायरस आरएनए, क्या है? 20 थायरस आरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोसाइट। कौन सी एंजाइम? राइबोसोम कैटालिस्ट का हिसाब से, देखो राइबोसोम कैटालिस्ट का हिसाब से काम करता है। क्यों करता है? ये बैक्टीरिया के केसेस में 23rd नंबर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में काम करता है। किसके? एक एंजाइम का हिसाब से काम करता है। कौन सी एंजाइम? राइबोसाइम। कौन सी एंजाइम? अरे राइबोसाइम। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस राइबोसाइम? राइबोसोम के हिसाब से बैक्टीरिया में 23rd नंबर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में काम करता है, इसीलिए कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करने के लिए, उसको कहेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफरेस एंजाइम इन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे लार्ज वाले पार्ट में? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेस एंजाइम होते हैं और ये राइबोसाइम जो होता है, दोनों मिलके क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। ये देखो, दिस इज ए वन एमिनो एसिड, दिस इज ए वन एमिनो एसिड,
this is a one amino acid, this is a, this is a, this is a, ये सारा एक एक एमिनो एसिड है. क्या है? एक एक एमिनो एसिड है. ऑल ऑफ यू क्लियर? तो देखो मैं अपन को क्या बोल रहा हूँ बेटा. डीसी चे क्या है? डबल ये डीएनए स्ट्रैंड था. ठीक है, अब डीएनए स्ट्रैंड से बेटा क्या हुआ है? डीएनए स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से और एमआरएनए बना. क्या बना बेटा? एमआरएनए बना. ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? डीएनए से ट्रांसक्राइब किया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. अरे क्या क्या? डीएनए से ट्रांसक्राइब किया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और क्या बनाया? एमआरएनए बनाया. क्या बनाया? एमआरएनए बनाया. अब एमआरएनए कहां पे आया? राइबोसोम्स के पास आया. एमआरएनए किसके पास आया? राइबोसोम्स के पास आया. अब राइबोसोम का कितना सब यूनिट होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं. एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है. यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा. क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि इनको प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करेगा कैटलिस्ट के तौर पे. तो अब क्या होगा बेटा? अब धीरे 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 यहाँ पे जो देखो CuCuGaCuGa यहाँ पे बस टी नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टी है क्या? रे नहीं है, क्योंकि आरएनए का कोडिंग सीक्वेंस क्या है? एमआरएनए है. तो यहाँ पे थायमिन इज एब्सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल. इन द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल. ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड. तो बेटा अब क्या होगा? देखो अब तो मैसेंजर आरएनए का काम खत्म. इंफॉर्मेशन मैसेज को लेके आया राइबोसोमल आरएनए के पास. अब राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, ये आरआरएनए अब क्या करेगा बेटा? आप यहां से क्या करेगा? ये तीन तीन कोडन को ले लेके कोड करेगा. तीन तीन बेसेस को ये क्या करेगा? तीन तीन बेसेस को ले लेके क्या करेगा रे? कोडन बनाएगा. क्या करेगा? कोडन बनाएगा, ताकि ओ कोडन का हिसाब से. मान लीजिए यहां से देखो ए वाला डायग्राम देखो. ये क्या है? टी आरएनए का काम क्या है? जो ए सीक्वेंस ऑफ आरएनए से जो तीन बेसेस जाके यहाँ पे क्या बना? यूयूए बना. क्या बना रे? यूयूए बना. तापरे से देख भाई तीनटा सीक्वेंस के नबा यूयूए बनला. बोले यूयूए का केन एमिनो एसिड है? एएसएन है. एस्पार्टिक एसिड की कहना एएसएन बोले. एएसएन बोले कहना वो क्या बनाएगा? ये देखा यूयूए बना. तो यूयूए में देखेगा कौन सा एमिनो एसिड है. अब जो एमिनो एसिड होगा वो एमिनो एसिड को क्या करेगा? लेके आएगा इधर. ठीक है, और एक एक करके इसे ले लेके एक एक एमिनो एसिड को ऐसे यहां से कोट कर करके पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डिंग करते करते जाएगा और एक क्या बन गया? फाइनली एक लंबी सी पेप्टाइड चेन बन गया. क्या बन गया? पेप्टाइड चेन बन गया. और ये एक दूसरे से एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जो ज्वाइन किए पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन किए. कौन सी बॉन्ड से ज्वाइन किए? पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन किए. ग्रोइंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ग्रोइंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो कैसे होता है? फिर से रिव्यू करते रहो, नो कंफ्यूजन. यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस इतना जानना है भाई. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाया गया. आरएनए की सीक्वेंस को बेसिस को कोडन बना के एमिनो एसिड लाया गया. अब एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए का काम है एमिनो एसिड को एक 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 करके लाते गया. राइबोसोमल आरएनए क्या क्या उसको जोड़ते पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस. What are the step of translation? There are four steps. How many steps? Four steps. First step, charging of tRNA. What is charging of tRNA? Second step, initiation. What is initiation? Third step, elongation. What is
elongation. Elongation. Fourth step, termination. What is termination? Elongation. So, step of translation, कितने प्रकार का है भाई? कितने प्रकार का है? Charging of tRNA, initiation, elongation, or termination. All of you clear? All of you clear? Yes. तो आप देखिए क्या क्या है. अब charging of tRNA. What is the meaning of charging of tRNA? इसको एमिनो एसाइलेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एमिनो एसाइलेशन भी कहते हैं. तो ये क्या होता है? चलो देखते हैं. तो यह चार्जिंग अप टीआरएनए एमिनो एसाइलेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. यू नो दैट. ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. सभी को दिख रहा है डायग्राम अच्छे से? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए क्लियर. अब देखेंगे क्या होता है. मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई टीआरएनए में एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट होता है जहां एमिनो एसिड को एक किया जाता है. दूसरा एंटीकोडन लूप होता है. मैंने बताया था कि नहीं? अरे बताया था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी. तो जब फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये जब एमिनो एसिड को लेके आएगा और एक एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड के साथ जोड़ेगा तो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड यूज करेगा. तो पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने के लिए तो एमिनो एसिड के बीच में एनर्जी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो वो एनर्जी कहां से आएगा? वो एनर्जी कहां से आएगा रे? तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी. तो एटीपी यू नो दैट कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हो. स्पोर की मिडिल पीस में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी सोर्स कहते हैं. एटीपी को प्रोडक्शन करता है. बेटा हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े हैं ना. एक्टिव में क्या होता है? क्या होता है रे? विद द रिक्वायरमेंट ऑफ और नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ, अलोंग द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट. क्या होता है? एटीपी जरूरी होता है या एटीपी जरूरी नहीं होता है एक्टिव में? एनीबॉडी? राशेश बॉडी? अरे बोलो रे. एटीपी का जरूरत नहीं होता है एक्टिव में. एटीपी का जरूरत नहीं होता है एक्टिव में. एक्टिव में एक्टिव एक्टिव हाँ एक्टिव में एटीपी जरूरी नहीं होता है. और पैसिव में होता है. वेरी गुड. एग्जैक्ट सही है. उल्टा उल्टा बोला. उल्टा बोला कि सही बोला? उल्टा बोला. पैसिव में एटीपी नहीं होता. एक्टिव में होता है एटीपी. एक्टिव में क्या होता है राशेश परी? एटीपी रिक्वायर्ड होता है एक्टिव ट्रांस में. पैसिव में नहीं होता. ए भाई यूनिपोर्ट सिंपोर्ट एंटीपोर्ट नहीं पढ़े हो क्या? एक्टिव एंड पैसिव. अरे सेल मेम्ब्रेन है. अगर सेल मेम्ब्रेन कुछ आयन और सब्सटेंसेस को अगर परमिट नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन है मान लो, सेल मेम्ब्रेन कुछ आयन और मॉलिक्यूल्स को अगर परमिट नहीं करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर में, तो वहां पे क्या होगा? उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो बाय द हेल्प ऑफ एटीपी और एनर्जी, बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दे कैन इजीली ट्रांसफरेबल द आयन्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर सेल टू इंट्रा सेलुलर सेल. तो ए वाला को क्या कहेंगे? एक्टिव कहेंगे या पैसिव कहेंगे? क्या कहेंगे? तुम लोग पढ़ना प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर चुके हो, नहीं पढ़े हो अभी तक? तो देखो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी. तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा बेटा? एटीपी से एनर्जी उसको चाहिए. फॉर दिस एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड
इसके बाद तो एमिनो एसिड एक्टिवेटेड हो पाएगा जब पेप्टाइड बन से जोड़ेगा, ठीक है। तो एमिनो एसिड प्लस एटीपी बन जाएगा, एमिनो एसिड को क्या चाहिए, एटीपी, एटीपी से लिंक्ड हो गया। तो अब ये लिंक्ड होने के बाद कॉग्नेट टीआरएनए इन प्रेजेंस ऑफ एमिनोसिल टीआरएनए सिंथेसिस दस द टीआरएनए बिकम चार्ज। तो देखो मेडिकल में बस सवाल ये पूछ सकता है, ट्रांसलेशन में चार स्टेप दे देगा, बोलेगा एक तो दूसरा स्टेप बोलेगा दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है ट्रांसलेशन का स्टेप। तो आप इजीली याद रखेगा, ये मत की इनिशिएशन एलोंगेशन और टर्मिनेशन को याद रख के चार्जिंग टीआरएनए को आपने कैंसिल कर दिया। तो चार्जिंग टीआरएनए इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। तो चार्जिंग टीआरएनए मतलब क्या होता है, इसको एमिनो एसिलेशन कहते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बनने के लिए पेप्टाइड बन चाहिए और पेप्टाइड बन को एमिनो एसिड के बीच जोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। अब एमिनो एसिड में जब एटीपी जोड़ जाएंगे तो एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें जो प्रेजेंस होगा उसको एमिनोसिल टीआरएनए सिंथेसिस कहते हैं। तो एमिनो एसिड प्लस एटीपी बन के जो प्रोटीन बन रहा है उसको एमिनोसिल टीआरएनए सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो इसी आरएनए, इसी टीआरएनए को क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ताकि टीआरएनए बिकम चार्ज। तो आपको मेडिकल में क्वेश्चंस पूछेगा टीआरएनए चार्जिंग कब कहा जाएगा, जब एमिनो एसिड एटीपी से जोड़ जाएगा, किससे, एमिनो एसिड एटीपी से जोड़, एटीपी से, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन, सेकंड स्टेप इनिशिएशन, इनिशिएशन। देखो राइबोसोम में मैं बताया था ना भाई कि एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज होता है। दिस इज द लार्ज सब यूनिट, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट, सभी को पता है। आप यहाँ पे सभी को ये भी पता है कि भाई ये क्या है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपिंग होके आई है। अब देखो तीन 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 करके बना रहा है ना कोड, अब ये तीनों का क्या करेगा, जो जो एमिनो एसिड को कोड करते हैं वो एमिनो एसिड को लेके आएगा, अब पेप्टाइड बन से जोड़ेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे जो एंटीकोडन लूप होगा वो एयूजी है, तो एयूजी का एंटीकोडन बनाएगा यूएसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूएसी, एसी। देखो यहाँ पे यूएसी हो गया कि नहीं, ए यू को कोट करेगा, यू ए को, जी सी को, ऐसे एसीई का कोट करोगे तो क्या होगा, यू होगा, सी जी यू, यू जी यू हो जाएगा, ऐसे कोट करते जाएगा। और मानिन एंता कोट करुथवा करुथवा केंता गुटे मानिन एंता कोडन ते बहल्ला जे जहार कोनोसी एमिनो एसिड नै नो मतलब सटा के का कोडन को सुरे सटा के यूटीआर टेल बहल्ला बोल बुझु छ के हां सटा कोनोसी एमिनो एसिड के कोडन नि करि पा। तो इनिशिएशन में क्या होगा बेटा, इनिशिएशन में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्या करने का, तो एमआरएनए का जो कोडन होगा वो कोडन अपना एंटीकोडन बना बना के एमिनो एसिड को लाने का काम कर लेगा टीआरएनए। तो ए इनिशिएशन में, और एलोंगेशन में क्या होगा, अब एमिनो एसिड गुटे गुटे करी एतेल जीबे यूएसी यूजी यू एंता बोंतेल जीबा, तापर सब गुटे गुटे एमिनो एसिड एतेल जीबे, आउ राइबोसोम से नो पेप्टाइड बोंद जुड़े जुड़े करी गुटे गुटे करी एंता पढ़ातेल जीबा, पहले से पॉलीपेप्टाइड चेन ता पढ़तेल जीबा कि नहीं, एलोंगेशन हला कि नहीं, यस सर, हां सर, फिर गुटे एंता टाइम पे आबा जे जेन टाइम रे तमने से प्रोटीन सिंथेसिस ता स्टॉप हेबा, से ताके का कहमा टर्मिनेशन कहमा, काना कहमा टर्मिनेशन, ताने का काना सिचुएशन से नो जेंता रो फैक्टर जाउथला और आरएनए पॉलीमरेज के धोरी पकोथला बोले टर्मिनेशन हे जाउथला ट्रांसक्रिप्शन, इनो हंता काना हबा जे फाइनली से ट्रांसलेशन ता बोंद हबा, से जिनिसटा आमे देख। तो इन दिस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन एयूजी। तो हमेशा मैंने आपको क्या बोला था बेटा, 61 कोडन होते हैं जो कोड करते हैं और 3 स्टॉप कोडन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, जो स्टार्ट कोडन होता है
इनिशिएशन कहां से शुरू होगा? ऑलवेज एयूजी से शुरू होगा, ये मेडिकल क्वेश्चन से याद रखिएगा। इनिशिएशन कहां पे होगा? इनिशिएशन कहां पे होगा? मेथियोनाइन पे होगा। कहां पे होगा? मेथियोनाइन पे, एयूजी पे होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला जब भी इनिशिएशन करेगा, एंटीकोडन बनाएगा, वो पहले एयूजी को ढूंढेगा, चेन में किसको ढूंढेगा? एयूजी को ढूंढेगा, क्योंकि एयूजी इनिशिएटर है, इनिशिएशन कोडन है, स्टार्ट कोडन है, जो कि मेथियोनाइन एमिनो एसिड को कोड करता। तो कौन सी स्मॉल यूनिट ऑफ, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में बाइंड होता है या स्मॉल में? तो ऑलवेज याद रखिएगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, बाइंड टू क्या? एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन एयूजी, क्या? स्टार्ट कोडन एयूजी स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरएनए में बाइंड करेगा। इसके बाद क्या होता है? नाउ लार्ज सब यूनिट बाइंड टू द स्मॉल सब यूनिट टू फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा बेटा? ये लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्या करेगा? लार्ज सब यूनिट क्या करेगा? स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, तो कौन सी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो रे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो लोग भाई मेडिकल एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, 26 तारीख को है आपका क्लास, लगभग 20 से 22 तारीख 22-23 जुलाई तक चलेगा, अगर 26 को मेडिकल होगा तो टाइम कम है बच्चे सब, मतलब जो जो एब्सेंट हो रहे हैं ना उनको तो मैं देख रहा हूँ, नोटिफाई कर रहा हूँ कौन कौन एब्सेंट है उनको, और एक दो क्लास देखूंगा, अगर क्लास नहीं किए ना रिमूव। अब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा दो चार दिन में, तो केमिस्ट्री पर डे दो क्लास दिया जाएगा बायोलॉजी को हटाए। अब इसके बाद देखिए, द लार्ज, पहले देखे कि नहीं स्टेप इनिशिएशन में क्या हो रहा है भाई? पहला कण होचे स्मॉल सब यूनिट जाय करी से राइबोसोम दुईटा पार्ट आमे जेन छु पिले, गोटे हला बड़ा पार्ट ऑफ द राइबोसोम, लार्ज पार्ट ऑफ द राइबोसोम, आ गोटे हला स्मॉल पार्ट ऑफ द राइबोसोम। स्मॉल पार्ट ऑफ रे, प्रथम स्टेप रे कोन होची? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कहां सहित बाइंड करूची रे? एमआरएनए, जो एमआरएनए रो जो कोड कोडन बनीची एयूजी स्टार्ट कोडन। तो प्रथम स्टेप रे इनिशिएशन रे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए सहित बाइंड करूची, जोटा की स्टार्ट कोडन सहित, कहां सहित? स्टार्ट कोडन सहित। सेकंड पॉइंट रे तापरे लार्जर सब यूनिट टा बाइंड करूची स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सहित। जेते पहले स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सहित बाइंड करी जीवो, सही कॉम्प्लेक्स टा को कोन कहिबा रे? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहिबा। कोन कहिबा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहिबा। समस्त बुझिलो ना नाही? बुझिलो कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। तापरे केसेस रे देखिबा, लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ एमिनोसाइल टीआरएनए बाइंडिंग सेल। तो मु एथिरे तुमको कहितली जे प्रथम कोन, प्रथम पॉइंट रे आमे कोन बनौथला? टी चार्जिंग आरएनए बनौथला, जोटा को आमे एमिनोसिल टीआरएनए कहौथला, है कि नहीं? टी चार्जिंग आरएनए बेले, हां सर, टी चार्जिंग आरएनए बेले होची जेते बेले पेप्टाइड बनता गोटे एमिनो एसिड रे, आउ एमिनो एसिड को बाइंड करबा पई एटीपी रिक्वायरमेंट होई थाए, आउ से एटीपी रिक्वायरमेंट हला परे से कोनी करबो, जेतेले एमिनो एसिड को जॉइन करबो से एमिनो एसिड सहित एटीपी को बाइंड कर देबो, ताहेले एमिनो एसिड ता एक्टिवेटेड हे जिवो प्रोटीन पई। तो से एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को आमे कोन कहिथाउ रे? चार्जिंग टीआरएनए कहिथाउ। कोन कहिथाउ? चार्जिंग टीआरएनए कहिथाउ। तो नेक्स्ट केसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है? लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ एमिनोसिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है बेटा, वहां पे एमिनोसिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होता है, जो चार्जिंग टीआरएनए का साइट होता है, और वहां पे और क्या होता है? पेप्टाइड साइट होता है, पेप्टाइडल साइट होता है, पी साइट। तो एक देखो, पी साइट होता है, पी साइट होता है, और एक क्या होता है? ए साइट होता है, है ना बेटा? क्या क्या साइट होता है? एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। ए साइट को क्या कहते हैं बेटा?
एमिनोसिल टी आर एन ए बाइंडिंग साइट, नाम याद रख लीजिएगा। और पी साइट को क्या कहते हैं बेटा, पेप्टिडिल साइट कहते हैं। इसके बाद ये क्या है, इनिशिएटर टी आर एन ए है। द इनिशिएटर टी आर एन ए व्हिच कैरी मिथोनाइन, ये क्या करेगा बेटा, इनिशिएटर टी आर एन ए है तो ये क्या करेगा, एमिनो एसिड को लेके आएगा। टी आर एन ए का काम क्या होता है, से एमिनो एसिड को आने के आसीब, तो से प्रथमे को एमिनो एसिड को आने का कथा, से इनिशिएशन जदि करिबो ताको मिथोनाइन को आने को पड़िबो। एयूजी, हां तो एयूजी से मिथोनाइन को आने के आसीबो। तापरे से इनिशिएटर टी आर एन ए मिथोनाइन को कैरी करी के आनिला परे ताको प्रथमे को साइट रे बाइंड करिबो, रे पी साइट रे बाइंड करिबो। देखो एठी पिले एठी दिसुची कि नाही, देखो ताको पी साइट रे बाइंड करूची, दिसुची कि नाही। मेडिकल पचारिदेला लेके आएगा तो कौन सी साइट में बाइंड करेगा, तो पेप्टिडिल साइट। क्या है पेप्टिडिल साइट, जिसको कहेंगे पी साइट, पेप्टिडिल साइट। इसके बाद देख सकते हो, इट्स एंटीकोडन यूएसी रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडन एयूजी। तो बेटा ये स्टार्ट कोडन एयूजी का एंटीकोडन क्या बनेगा रे, यूएसी बनेगा ना, यूएसी बनेगा। तो ए स्टार्ट कोडन एयूजी का एंटीकोडन यूएसी क्या करेगा, इनिशिएट करेगा ट्रांसलेशन। ऑल ऑफ यू क्लियर ना बेटा? यस सर। बुझला कि ना बुझला का? बुझलो सर। तीन नंबर प्रोसेस रे देखो पिले, तीन नंबर प्रोसेस रे हमें कोनो देखिबा को, एलोंगेशन मेथड को देखिबा। कहा को देखिबा, एलोंगेशन मेथड। एलोंगेशन मेथड, एलोंगेशन मेथड रे कोनो हबा पिले, एथरो धीरे धीरे मु सिंपली तुमको कहि देली, एथरो धीरे धीरे सेमिति सबु सीक्वेंस गुडा को देखो, एथि सजा है कि बनि गला, सबु सजाय हेले एक दूसरे से। देखो यहां पे सब तीन 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 बन गया कि नहीं देखो, और हमेशा देखो यहां पे एयूजी स्टार्टिंग कोडन है, देखो हमेशा तीन 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 बन गया। अब ये तीनों तीनों क्या करेगा, ऐसे राइबोसोम में जा जाके जो इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बना है ना बेटा, जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का जो कॉम्बिनेशन, वो इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स में जाके अब क्या करेगा, सब एंटीकोडन लूप में अपना एंटीकोडन बनाएगा। एंटीकोडन बना के उधर टीआरएनए क्या करेगा, उसी एंटीकोडन को रिकॉग्नाइज करके वो क्या करेगा, एमिनो एसिड ला लाके पी साइड में उसको बाइंड करते जाएगा। अब एमिनो एसिड की चेन एलंगेट होते जाएंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो पढ़ लेते हैं। यस सर। देखो सेकेंड एमिनो साइट पी आर एन ए बाइंड टू द ए साइट। कहां पे, जो टी आर एन ए चार्जिंग टी आर एन ए हम लोग बोले थे एमिनो साइट टी आर एन ए, वो कौन सी साइट में बाइंड होगा, ए साइट पे बाइंड होगा। कौन सी साइट पे, ए साइट पे। ए साइट वाला देख लो, पी का साइट पे, पी का साइट में जो है ऑफ द राइबोसोम। इट्स एंटीकोडन बाइंड टू द सेकंड कोडन ऑन द एमआरएनए। अब इसका एंटीकोडन जो है वो कहां पे बाइंड करेगा, सेकंड कोडन ऑन द एमआरएनए, डेफिनेटली सेकंड वाला है, सेकंड में ही बाइंड करेगा और एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके बाद क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट और सेकंड एमिनो एसिड। अब बेटा पहले वाला भी बना लिया है एमिनो एसिड मिथोनाइन, अब दूसरे वाला ए भी एक एमिनो एसिड बना लेगा, तो अब क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा किसका, प्रथम जो फर्स्ट एमिनो एसिड थिला और सेकंड एमिनो एसिड, दुई भीतरे कोन करिवो, पेप्टाइड बॉन्ड टा फॉर्मेशन करिवो। कहार प्रेजेंस रे करिवो पिले, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। कहा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। देखो एटा ए ए ए डायग्राम टा देखो रे, फर्स्ट डायग्राम टा देखो समझते, फर्स्ट डायग्राम रे देखो एटा हला प्रथमे मिथोनाइन टा बनिला, पेप्टाइड साइट रे जे बाइंड करतला, तापर थायरोनाइन टा बनिला जोटा की एडेनाइन साइट रे बाइंड करतला ए साइट रे, तापर मिथोनाइन आ थायरोक्सिन जो अछि ए दुई भीतर कोन ए येलो टा पेप्टाइड बॉन्ड, एटा कोन पिले पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड ए दुई भीतर फॉर्मेशन करबा पई के हेल्प करूची, कोएंजाइम टा हेल्प करछि रे,
पेप्टाइडल ट्रांसपिरेज, पेप्टाइडल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन व्हाट आई एम टॉकिंग. सो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन दो एमिनो एसिड के बीच में, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्टाइडल ट्रांसपिरेज होता है. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मेडिकल नोट. इसके बाद देखते हैं फास्ट एमिनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन. अब क्या होगा? पहला एमिनो एसिड जो है और वहां पे जो टीआरएनए का चार्जिंग होगा वो अब क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा. क्यों होता है? देखो दिस टीआरएनए इज रिमूव फ्रॉम पी साइट.